जोहार दोस्तों, मैं सावित्री, मैं गणेश जी और सावित्री कुमारी ऑफिशियल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं धूप खिल चुकी है और अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि हाँ हमारा काम अब अच्छा से होगा, स्टार्ट हो चुका है और जल्दी जल्दी अब शुरू करेंगे। जी जी, और धूप बोल तो रही हूँ, यहाँ पर काम करते अंकल लोग को भी अगर धूप ना लगे तो कैसे करेंगे, वो तो है। और इधर से देख सकते हैं हमारा काम चालू हो गया। ये लोग बोल रहे कि कौन सा पहले करें ये, क्योंकि ये वाला भी जो रूम है अभी छूट रहा है, बीच वाला भी है, तो वही बोले ठीक से देख लेते हैं कौन वाला अच्छा होगा उसको करेंगे। हाँ, तो आज 3 दिनों के बाद धूप निकली तो इधर से इधर 3 दिन के बाद बिल्कुल सही धूप का मजा ले रही है। हाँ, इधर देखिए धूप का मजा ले रही है हमारे साथ में गणेश जी भी, सब कोई, धूप नहीं हो तो कुछ भी नहीं। सही बात, काका जी भी ले रहे, देखिए जरा कल ठिठुर गया था वो, देखिए काका जी को तो दिखाई। तो हमारे गणेश जी बोल रहे हैं कि मेरा एक दो वसूली भी है तो इधर से खा लेते हैं और फटाक से चले जाते हैं वसूली के लिए, है ना गणेश जी। चलिए खा लीजिए। तो अभी फिर से हम लोग जा रहे हैं दुकान कुछ जरूरी सामान लेने के लिए। ऊपर से हमारे चोर को देखिएगा, ये देखिए क्या है हाथ में, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन थोड़ा कम कीजिए, आपको फिटनेस होना है ना, फिट होना है ना। अब मैं इसके बाद, अरे पापरे, 5 में से 3 खा गए का? नहीं, अब मैं इसके बाद 2 ही खाऊंगा लेकिन खाऊंगा। देख सकते गुलाब जामुन अस्त्र शस्त्र अपने साथ में रखा है। आपने खा लिया मेरा है क्या? लोग बोलते गुलाब जामुन में ताकत होती है। एक्चुअली दोस्तों गणेश जी को पता है ना, ये सब बनाते तो ऐसे बना बना के रख देते है ताकि कोई मेहमान आए, कोई आए तो तुरंत या क्या बोलते भागना ना पड़े। हाँ बिल्कुल सही बात, तो इसलिए हम लोग 2-2 उठा के ले आते। आज 3 लाई थी बेचारा, 1 खाया, मैं बोली 5 खा गए, 1 खाए और हमको 2 रख दिए। चलिए जल्दी, लेट हो रही है। चलो तो इधर से आगे हम लोग मार्केट में हमारा कुछ काम है तो बैग यहाँ पे मिल गया बहुत ही अच्छा अच्छा, तो गणेश जी बोरे ले लेते हैं, दीदी मम्मी और एक हमारे लिए, 3 बैग ले लेते। पहले तो हम लोग को 200 में मिला था दोस्तों, और यहाँ पर जब रेट पूछ रहे तो 650, कम से कम नहीं करते करते 400 तक पहुँचा है। और अभी हम लोग जस्ट आ गए फिर से दुकान है लाइट लेने के लिए, कि हमारे पास लाइट नहीं है, 2-3 बल्ब वो रही है लगा देंगे। अभी जब काम चल रहा है तो कभी कभी रात हो जाती है 7:30 बाई मिस्टेक से, मतलब 7:30 नहीं तो 7 तो बज ही जाता है कभी कभार, तो अब बूढ़े बाढ़े लोग हैं तो फिर अंधेरा में दिखाई ना दे, इसलिए लाइट ले रहे हैं। तो दोस्तों इधर से हम लोग आ गए, इधर से हमारा पिलर या जो भी बोलते हैं, ज़्यादा दोस्तों हमें नॉलेज बिल्कुल नहीं है घर बनाने का, किसको बीम किसको पिलर किस साजा, तो मैं गणेश जी से ही सुनती हूँ। गणेश जी बोलते हैं कि इसको पिलर बोलते हैं, इसको ये साजा बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, तो वही अभी हमारे जो 2 लोहा का जो लगा रहे हैं वो पिलर है। हाँ, 2 पिलर लगा रहे हैं, तो इसको लगाने के बाद इसमें ढलाई होगी और आगे का जो होता है वो बेस बहुत ही, ऐसे तो गणेश जी पूरा मजबूत ही बनाए हैं स्टार्टिंग से ही अच्छा खासा लोहा देके, तो इनको भी अंकल लोग को समझा रहे कि थोड़ा इसको ठोक के और नीचे कीजिए ताकि जो लोहा है एक लोहा को दूसरे लोहा में पकड़ के रखे। तो इधर से देख सकते हैं इधर मसाला बन रहा है और हमारा काम भी चालू है, सारे भैया अंकल लोग अच्छा से काम कर रहे हैं। हाँ तो उसी के ऊपर है ना, सच बताऊं ये घर जब से बन रहा है तब से मैं देख रही हूँ सिर्फ लोहा ही कट रहा है, ये इधर जिम के लिए तो इधर ये के लिए तो उधर वो के लिए सजा के लिए, मतलब सच में लोहा का जो खेला हुआ है ना हमारे घर में, हमारे घर जो भी आ रहे हैं वहाँ उस एरिया के जितने भी लोग आ रहे हैं या फिर खेती वाले जितने भी लोग आ रहे हैं सब बोल रहे हैं कि गणेश जी को बोल रहे हैं कि सच बताऊँ भैया आपको तो 100 साल, मतलब उससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 100 साल तक आप लोग को देखना नहीं पड़ेगा, आपने इतना मजबूत बनाया। सच में दोस्तों जो डोम बनाए गणेश जी, जो डोम बनाए उसमें आपने 4-4 बोरा सीमेंट दिया है एक डोम में, मतलब एक डोम में 4-4 बोरा, जितना 15 डोम जो बनाया जो पिल्लर खड़ा किए सब में 4-5 बोरा करके सीमेंट सलाखा और जो गिट्टा, मतलब भरपूर दिए। ये गणेश जी का कहना है कि पापा जो बनाए थे अब मेरा बारी है और मैं जो भी बनाऊंगा मतलब मजबूत
पहले भी मजबूत बनता था, लेकिन ज्यादा सलाखा का घर नहीं होता था, ज्यादा सलाखा यूज नहीं करते थे। कोई भी हो, हमारा भी पुराना घर है, उसमें भी नहीं हुआ है। लेकिन अब का जो घर है, मैं मतलब 2-3 पीढ़ी तक मैं उन्हें देखने नहीं दूंगा, इतना मजबूत बनाऊंगा। और सही बात है दोस्तों, ये देख सकते हैं गणेश जी जो हमारे मतलब इतने अच्छे से बना। तो हम लोगों ने सलाखा तो गिरा लिया है छड़, लेकिन यहाँ पर चोरियाँ बहुत हो रही है। एक अंकल, सामने वाले अंकल का झोपड़ी में जो माल मटेरियल मतलब था, कपास वपास सब चोरी हो गया है, जिसके कारण ताला वाला तो मार है। खैर हमारी कैमरा है, लेकिन बोलते हैं ना कितना दूर तक हुआ है। तो ये दोस्तों आज मैं दिखाऊंगी हमारा घर कितना दूर तक हुआ है। अभी भैया अंकल लोग जो भी थे अभी जस्ट गए, और आज का ये देख सकते हैं, ये आज लगवाए। और इधर से ये भी ये लगवाएं, और ये हमारे ऊपर तक जाएंगे। अब बीम समझ लीजिए, बीम ही है ये, ऊपर तक जाएंगे। उसके बाद इधर का जो दीवान नहीं हुआ था वो आज हुआ, आपने देखा भी वीडियो में, भैया लोग काम कर रहे थे। तो इधर का जो है बैक साइड का काम बाकी था, वो नहीं हुआ था, जो आज हुआ है ये वाला और ये वाला। और आज भी 9-10 थे ये मिस्त्री लेबर मिला के, लेकिन सलाखा का भी काम चल रहा है, तो भी काटना पड़ रहा है, उसको मोड़ना पड़ रहा है, तो उसमें भी समझ आ रही है। तो सिर्फ बचा है हमारा ये साइड वाला, ये साइड होने के बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद गडर का काम चालू हो जाएगा, ठुकाई वगैरह जो भी होता है। और इधर से तो अभी आज हमारी कुछ भी काम नहीं हुई है, बाथरूम का फिलहाल हमारे बाथरूम में कुछ भी काम नहीं हुआ है, ये देख सकते हैं। और इधर का तो रास्ता पैक हो गया ना, रूम बाय रूम में बाथरूम दे दिए, तो इधर का रास्ता भी पैक हो गया है। उधर से है तो अभी जब तो राइट साइड से है रास्ता, लेकिन जब तक उसको हम भरण नहीं करेंगे, क्योंकि भरण भी हम लोग अभी अगर ये 6 फुट का है तो 4 फुट तक तो भरण करनी पड़ेगी, और 2 सीढ़ी रखेंगे। एक्चुअली ये 7 फुट का ही बनेगा, सब कुछ दे के ढलाई वलाई के 7 फुट तक ऊंचा हो रही है, तो उसमें जब तक भरण नहीं भरेंगे तब तक चढ़ना भी मुश्किल है उधर से। तो अंकल लोग उधर से चढ़ रहे हैं, साजा दिया हुआ है उधर से चढ़ रहे हैं। और इधर का काम बस हमारी ये बेडरूम का ही बचा है, बाकी सब का काम हो गया है। और यहाँ पर एक देख सकते हैं, जब सलाखा चढ़ा रहे थे ना तो एक दो ईटा घिसक गया है, तो उसको भी बराबर कर देंगे आज। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर भी है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी ईटा हट गया, इसको भी ठीक करना है। इस कोने में भी जो है वो भी हट गया, उसको भी परेंट करते हैं। शाम हो गई है, घर भी जाना है, नहाना भी है, उसके बाद अभी जाके खाना वाना भी बनाना है। तो दोस्तों मैं वीडियो यहीं परेंट करती हूँ। आई होप दोस्तों आज का ये आपकी सिस्टर बहन का ये ब्लॉग पसंद आया, प्लीज़ वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जय हिंद। आप लोग को पता ही है कि अभी 5:30-6 बजे शाम हो जाती है, और हम लोग अभी 7 बजे निकले, बोले कि अब घर की ओर जाएंगे, रास्ते में हमारी बाइक हो गई ख़राब। अब सेकेंड हैंड बाइक आप लोग को पता ही है, कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा पाइएगा, बहुत दूर है, हाँ नहीं जा पाइएगा। गणेश जी क्या है सब है, जो कोशिश कीजिए ना, 2-3 बार कोशिश कीजिए, हो सके 1 किलोमीटर है, समझे, धक्का मार, अरे धक्का।